हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ओके, मतलब अभी कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, ढंग से आप वीडियोस देख रहे हो, जो जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको कह रहे हैं वो आप सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, राइट? कोई लेथार्जी, कोई आलस, कुछ नहीं है, राइट? अब हो तो वो सब अब हटा दो, मतलब झटक दो ये सारी चीजें। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको प्रॉपरली पढ़ाई पे लगना है। ओके, now there are few points that I want to discuss through this video. okay, so one of the points is about videos. you have to regularly watch the videos. मतलब आज अगर जो हमने वीडियो भेजा है तो आपको आज ही वो देखना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले आपको ये वीडियो देख लेना है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम लोग आपको असाइनमेंट्स भेज रहे हैं। तो जब तक आप वीडियोज नहीं देखोगे आप असाइनमेंट्स कैसे सॉल्व करोगे, राइट? so that is why it is very very important that you watch the videos and after watching the videos you solve the assignments that day itself. jo bhi aapko doubts aate hain please send us the doubts, taki otherwise agar jo aap video dekhne mein delay karoge na to aisa pile create hoga, and ek bar ye aisa pile create hua fir wo kabhi nahi, matlab wo aise lagta hai yaar ab next chapter se sab kuch dhang se karenge, fir next chapter mein bhi yahi problems aayenge. to please, it is very very important that when we send the videos you have to regularly watch those videos. whatever you have not understood uska screenshot de do, send us a whatsapp and hame bol do ki sir hame ye cheez samajh mein nahi aayi hai, please explain it to us again. okay, second, during the videos we are giving you few instructions. jaise maine chemistry ke liye aapko ye bataya hua hai ki आपको फॉर्मूला शीट बनानी ही है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला शीट सामने होनी ही चाहिए, आपको साथ में नोट्स सीखते जाना है। ललित सर भी आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे ही रहा है कि जैसे अगर जो आप वीडियो देख रहे हो तो यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग, यू हैव टू पॉज इट, नोट डाउन इट, नोट इट डाउन, बेसिकली करेक्ट। तो आपको वो सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, इफ यू डोंट फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सी, मैंने आपको पहले भी बताया था आपको आपके तरीके बदलने होंगे। आपने सोचा है कि टेंथ में जैसे पढ़ाई की है वैसे ही आप पढ़ाई करोगे तो स्कोर नहीं आएगा, एंड एट द सेम टाइम सिंस आप लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप आपका दिमाग मत लगाओ, राइट? आप हम जो कह रहे हैं यू हैव टू लिसन टू वॉट वी आर सेइंग एंड यू हैव टू फॉलो वॉट वी आर सेइंग, बिकॉज इफ यू डू नॉट फॉलो वॉट वी आर सेइंग हम लोग हाथ ऊपर कर देंगे, भाई अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो जो चीजें कह रहे हैं, इवन दो आपको बोर होता हो, इवन दो आपको आलस आता हो, इवन दो आपकी इच्छा ना करती हो, तो भी आपको वो सारी चीजें करनी है, वो चीजें करने से ही स्कोर बनेगा। उसके बाद चैप्टर फ्लो, आपको ये डाउट होगा कि अरे हम लोग, आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो शायद नहीं पहला चैप्टर ये मैच कर रहा है, बट उसके अंदर का जो चैप्टर फ्लो है और मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं वो मैच नहीं कर रहा है, या आप स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो उसमें पहला चैप्टर शायद कुछ और होगा और मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूं, या टॉपिक वाइज कोई फ्लो नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो दैट इज फाइन। हम लोगों ने हमारा एक चैप्टर फ्लो डिसाइड किया हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर फ्लो वी विल गो, वी विल टीच यू थिंग्स, ओके, एंड वी विल एंश्योर दैट आपका वो पूरे पूरे कंसेप्ट जो है उस चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक्स कवर, सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी। मोरेवर हमने तो आपको बोला नहीं है ना कि आप अभी डे वन से एनसीईआरटी पढ़ो या स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ो, हम तो आपको यही कह रहे हैं कि अभी आप वीडियोज देखो, तो आप भी वीडियोज ही देखो ना, आप क्यों किसी और बुक के साथ चीजों को कंपेयर कर रहे हो? वी विल टेल यू वेन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बुक, वेन यू हैव टू रीड अ स्टेट बोर्ड बुक, कोई और रेफरेंस बुक पढ़नी, ये चीजें हम आपको बताएंगे, एंड जब ये हम आपको बताएंगे उसी टाइम पे आप पढ़ो। अभी तो आपको वीडियोस देखने हैं, वीडियोस के नोट्स बनाने हैं, एंड वो नोट्स ही आपको पढ़ने हैं, फाइन। एंड वीडियोस देख के जो हम आपको असाइनमेंट्स भेज रहे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व द असाइनमेंट्स। सो प्लीज डू नॉट ओपन एनी बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टार्ट रीडिंग इट, क्योंकि आधी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी एंड बाकी का टाइम आपका ढूंढने में वेस्ट होगा कि सर ने वो पढ़ाया है वो कहां पे है। so do not read anything, whatever instructions we give you through the videos during the lectures you have to just do that. to jis din main aapko video ke andar bolta hu ki ab bhai aap ncrt ki book nikalo aur padho, usi din aapko padhni hai, usse pehle you don't have to read it. is this clear? okay, just watch the videos and solve the assignments. okay, uske baad abhi jo ye videos ho rahe hai na wo je or neet focused videos hai,
तो अगर जो आप में से कोई सीईटी पे फोकस करने वाला है या बस स्टेट बोर्ड पे फोकस करने वाला है तो आपके लिए अलग वीडियोस बनेंगे, ओके, यू विल हैव डिफरेंट वीडियोस, ओके, बट वो अभी नहीं बनेंगे। हमारी जो सीईटी बैचेस है वो सीईटी बैचेस, एक बार आपका 10th का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपके सीईटी बैचेस स्टार्ट होंगे, बट तब तक आप ये वीडियोस देख ही सकते हो आपका टाइम वेस्ट करने के बजाय, क्योंकि सीईटी की केमिस्ट्री या स्टेट बोर्ड की केमिस्ट्री एंड ये जो जेई एंड नीट की केमिस्ट्री है, जेई की इट इज द थियोरी पार्ट, दैट थियोरी पार्ट इज सेम। सिमिलरली मैथ्स में कैसा है कि मैथ्स में इनिशियली सीईटी में या स्टेट बोर्ड में बहुत कम चीजें होती है। ललित सर जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं दैट मैथ्स इज बेस्ड ऑन जेई लेवल, दैट इज बेसिकली और जेई लेवल मैथ्स, ओके। सो बेसिकली आप अगर जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें कोई हर्जा तो है नहीं ना, आपका कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो जब तक आपके रेगुलर सीईटी लेक्चर स्टार्ट नहीं होते आप ये जेई की चीजें पढ़ते जाओ, नीट की चीज पढ़ते जाओ, ओके। एंड व्हेन सीईटी लेक्चर्स विल स्टार्ट वी विल टेल यू कि हाँ अब ये जो चीज है वो सीईटी या वो स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड चीज है। इज दिस फाइन? सो टिल द टाइम जब हम लोग स्टेट बोर्ड, जब हम लोग स्टेट बोर्ड की चीजें स्टार्ट करेंगे तो स्टेट बोर्ड का एक ऑर्डर फ्लो होगा, चैप्टर ऑर्डर फ्लो, वो ही उसी हिसाब से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। बट जब तक वो चीजें स्टार्ट नहीं होती तब तक ये जो वीडियोस है आप ये वीडियोस देखो और इनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीजें फिर वापस आप स्टेट बोर्ड में पढ़ोगे जब स्टेट बोर्ड के चैप्टर स्टार्ट होंगे। ये आया आपको समझ में? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दीज वीडियोस, एंड अभी ये जो वीडियोस में आपको बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करो, ओके। डोंट वरी कि चैप्टर फ्लो क्या होगा, सीईटी में कितना होगा, क्या होगा, वो आपका फिर होगा अलग से, ओके। एंड वो बैचेस जो है वो रिजल्ट आने के बाद, एसएससी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद फिर वो बैच स्टार्ट होगी, ओके। तब तक आप ये जेई और नीट की चीजें पढ़ो, ओके। उसके बाद ये सारे बच्चों के लिए कि आपको अभी ना चीजें जो है मैथ्स की या ये केमिस्ट्री की शायद डिफिकल्ट लग रही होगी यार, मतलब ये सडनली सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है या एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहे, दैट इज फाइन। डे वन से किसी को भी जेई या नीट की पढ़ाई आराम से नहीं आती, बट आपको एफर्ट से नहीं पड़ता है, आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब आप रिलीजियसली मेहनत करोगे, जब आप एफर्ट्स लोगे, तब जाके आप इस लेवल पे कंफर्टेबल हो जाओगे। एंड वंस यू बिकम कंफर्टेबल ऑन दिस लेवल देन फिर आपको चीजें ईजी लगेंगी। डे वन से थिंग्स विल नॉट बी सिंपल फॉर यू, दे विल नॉट बी सिंपल फॉर एनी वन फॉर दैट मैटर, ओके। सो प्लीज डोंट वरी कि चीजें डिफिकल्ट लग रही है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। एक बार में नहीं समझ में आता तो और एक बार देखो, और एक बार पढ़ो, खुद से पेन उठाओ, देखो समझने के बाद खुद से निकलता है या नहीं निकलता, ओके। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जब देखते हो, ओके, हम जब आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भेजते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द सॉल्व एग्जाम्पल्स, आपको हर एक सॉल्व एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। यू हैव टू फॉलो दिस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों के लिए, कि सॉल्व एग्जाम्पल समझ में आ गया देन यू हैव टू क्लोज द बुक एंड उसी दिन तुरंत उसको वापस सॉल्व मत करो, ओके। शाम को या फिर नेक्स्ट डे देखो कि वो एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट डे, बस क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करके देखना है। अगर जो आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको उनको वापस पढ़ना है, वो डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स रहे हैं आपके लिए। सो यू हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन। एक बार आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स समझ में आ गए तो जो हम आपको अनसॉल्व एग्जाम्पल्स भेज रहे हैं आपको उन अनसॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ओके। एंड इन सारी चीजों में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 2 घंटों की पढ़ाई में ये सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू सिट फॉर 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स तब जाके आपका असाइनमेंट, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स वीडियोस आपसे खत्म होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू स्टडी नाउ प्रॉपरली, आपको पढ़ाई के मोड पे आना है। एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स जो जेई और नीट पे फोकस कर रहे हैं, आपको पढ़ाई के मोड में आना है एंड आप जब ये पढ़ोगे तब आपको चीजें धीरे धीरे सिंपल लगेंगी। अदरवाइज दीज थिंग्स यू विल ऑलवेज फाइंड देम डिफिकल्ट, 2 साल तक डिफिकल्टी लगेंगी आपको, ओके। सो प्लीज एंड प्लीज सेंड अस द डाउट्स यार, किसी के अब तक कोई भी डाउट नहीं आया है, आपको क्या सारी चीजें सिंपल लग रही है क्या? तो जो भी डाउट है आप प्लीज डाउट हमें भेजो ताकि हम लोग वो सॉल्व करके आपको भेजेंगे वापस, ओके। अच्छा, डाउट कैसे होना चाहिए कि पहले तो आपको बहुत मेहनत करनी है उस क्वेश्चन पे, आपको वीडियो आपने देखा, आपने
फॉर्मूला शीट बाजू में रखी, फॉर्मूला शीट को यूज करके आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे सॉल्व, तो एक सिमिलर सॉल्व एग्जाम्पल देखो, उसको देख के भी क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं हुआ, जब आपने सारे तरीके अपना लिए है एंड उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तभी जाके आप हमें डाउट भेजोगे। ओके, एंड ये आपको आदत डालनी है, यू हैव टू स्ट्राइव ऑन क्वेश्चंस। ये आया समझ में? एंड फाइनली वंस यू सेंड अस द डाउट्स, तभी हमें पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। सी, अभी और जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं आती, हम आपको क्लास में तो बुला नहीं सकते ना, तो हमें आप व्हाट्सएप के थ्रू ही समझ में आएगा हाउ मच यू आर सॉल्विंग, वॉट एवर डाउट्स यू हैव गॉट, यू हैव टू सेंड इट टू अस, सो वी विल गेट टू नो योर प्रिपरेशन लेवल। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का एक एक चैप्टर हो जाएगा, आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। ओके, प्रॉपर नीट जैसी या जेई जैसी आपकी टेस्ट चालू हो जाएगी, तो जब तक वो टेस्ट आए, मतलब उससे पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करते जाओ। ठीक है, सो आई होप अगर जो आपके मन में कुछ कुछ डाउट चल रहे हो कि चीजें कैसे करनी है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो चीजें समझ में आई है आपको। ओके, अगर जो आप भूल गए हो तो प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको कहा है एंड फॉलो वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर गिविंग इट टू यू। ठीक है, चलो दैट्स इट, बाय एवरीवन, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। ओके, बाय।